हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चतुष्फल की संकुलों में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण तथा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी डी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगी। मतलब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, जो चतुष्फल की संकुल है, उसमें डी इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होगा और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन किसे कहते हैं, स्थायीकरण ऊर्जा क्या है, तो मैं आप लोगों को सारा चीज एक्सप्लेन करूंगी और एक एक करके ये भी बताऊंगी कि D1, D2, D3 में किस प्रकार वो कक्षकों में उनका इलेक्ट्रॉनों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी लेवल आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जो है वो जा रही है, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जा रही है। और आप लोग यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स देख रहे हो, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है, xyyz zx z2 x2 - y2, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम लोग यहाँ जो स्थायीकरण ऊर्जा पढ़ रहे हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब चतुष्फल की संकुलों के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखे थे, जब कोई लिगैंड किसी मेटल के समीप आता है, मेटल आयन के जब समीप आता है, तो वो जो मेटल आयन रहता है उसका डी ऑर्बिटल की ऊर्जा में जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो होता है वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाता है और दूसरा जो है वो निम्न ऊर्जा क्षेत्र में चला जाता है, मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जो है वो 2 पार्ट में जो इसके ऑर्बिटल्स है उसका जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग T2G और EG देख रहे हो, ठीक है। तो T2G ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सा ऑर्बिटल आएगा, xyyz zx, और EG ऑर्बिटल के अंतर्गत, EG ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या आएगा, z2 x2 - y2। तो ये जो EG ग्रुप है वो निम्न ऊर्जा क्षेत्र में है और T2G है वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया कि डी ऑर्बिटल किस प्रकार स्प्लिटिंग हो रहा है टू एनर्जी लेवल में, तो यही होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिटिंग। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 0.4 0.6, तो ये जो है वो इसके ऊर्जा के अंतर को यहाँ पे दर्शाया गया है कि वो किस प्रकार T2G है वो 0.4 अधिक है और किस प्रकार 0.6 ये कम है। तो ये हो गया फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो है वो स्प्लिटिंग। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं स्थायीकरण ऊर्जा के डेफिनेशन पर। तो डी ऑर्बिटल में हाई एनर्जी लेवल T2G एवं लो एनर्जी लेवल EG ऑर्बिटल के विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन के लो एनर्जी लेवल में जाने की प्रवृत्ति होती है। इसमें यह कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो डी ऑर्बिटल में हाई एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डी ऑर्बिटल में हाई एनर्जी लेवल कौन सा है, T2G है ना, T2G जो है वो हाई एनर्जी लेवल है और EG क्या है, लो एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में हाई एनर्जी लेवल T2G एम लो एनर्जी लेवल EG के विभाजन के बाद, मतलब जब इनका विभाजन हो जाता है, तो जो डी ऑर्बिटल में अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो वो कंफ्यूज होगा ना कि मैं T2G में जाऊं कि EG में जाऊं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो EG में जाएगा, क्योंकि जो EG है वो निम्न ऊर्जा क्षेत्र है, मतलब लो एनर्जी लेवल है EG, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले EG में जाएगा। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन के लो एनर्जी लेवल में जाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। इस प्रकार EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो EG कक्षक में प्रवेश कर लिया, ठीक है, तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और T2G ग्रुप में जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा तथा T2G कक्षकों में ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस तरह जो टोटल ऊर्जा निष्कासित होती है, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जो टोटल ऊर्जा निष्कासित होगी इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। जिस संकुल की CFSC जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका CFSC जितना अधिक होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अत्यधिक स्थायी होगा, वो जल्दी से अस्थायी नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर CFSC का मान ज्ञात किया जा सकता है, मतलब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम लोग CFSC ज्ञात कर सकते हैं, और इस टॉपिक पे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। बस आप लोगों को अभी यह जानना है कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा आखिर होता क्या है। बस ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उच्च ऊर्जा क्षेत्र और निम्न ऊर्जा क्षेत्र। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले EG कक्षक में जाएगा, क्योंकि EG जो है वो निम्न ऊर्जा क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ लिए। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होता,
ऑक्टाहेड्रल में जो ईजी ग्रुप है वो ऊपर रहता है और टी टू जी ग्रुप है वो नीचे रहता है, तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पहले टी टू जी में जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डी वन, मतलब डी के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब बात यह है कि वो टी टू जी में जाएगा कि ईजी में जाएगा। तो मैंने आप लोगों को स्थायीकरण ऊर्जा में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजी में जाएगा, क्योंकि जो ईजी की जो ऊर्जा है वो कम है, ईजी जो है वो लो एनर्जी लेवल में स्थित है, इसलिए ये जो डी वन ऑर्बिटल है, मतलब डी वन का जो डी में डी ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ईजी कक्षक में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डी वन वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मात्र एक इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ये आप लोगों को समझ आया D1। अब हम लोग देख लेते हैं D2 की, तो D2 में कितने, D2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ईजी कक्षकों में चला जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा, तो D2 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी ऑर्बिटल में जो चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा D3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो D ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो ईजी कक्षक में चला जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो दो ईजी में जा करके एक टी टू जी में भी जा सकता है, तो यहाँ पे दो परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, एक तो जो डी ऑर्बिटल का जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ईजी में एक में युग्मन कर लेगा और एक में सिंगल रहेगा, और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो टी टू जी में जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ईजी ऑर्ब में युग्मन के लिए लिगैंड को प्रबल क्षेत्र लिगैंड होना चाहिए, अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो अधिक होना चाहिए, मतलब अगर लिगैंड जो है वो स्ट्रांग है, समझ रहा बात को, अगर जो लिगैंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजी ग्रुप है वो उसे बांध कर रखेगा, ठीक है, अपने युग्मन बना करके रखेगा, लेकिन जो लिगैंड होगा अगर वो एकदम लो होगा, मतलब जो दुर्बल होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो टी टू जी ग्रुप में जो है वो चला जाएगा। समझ आया फ्रेंड्स, अगर एक बात आप लोग याद रखना, अगर कोई लिगैंड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे जो है वो पेयर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर कर लेगा, लेकिन अगर कोई लिगैंड जो है वो दुर्बल है, मतलब अगर वीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर टी टू जी में चला जाएगा। लेकिन हम लोग डी थ्री में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लिगैंड प्रबल होना चाहिए, अर्थात स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो अधिक होना चाहिए, तो डी थ्री का जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो ईजी कक्षक में जो है वो चला जाएगा। अब हम लोग D4 में देख लेते हैं, D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होगा फ्रेंड्स, अगर कोई जो लिगैंड है वो दुर्बल रहेगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो टी टू जी में चला जाएगा, लेकिन अगर कोई लिगैंड जो है वो स्ट्रांग रहेगा तो ये जो ईजी में है वो पेयर बना करके रहेगा। तो इसी में यही कहा जा रहा है, इसी प्रकार डी फोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है धातु अन के संकुल में चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसी दशा में जो है वो युग्मन कर लेगा, मतलब ये जो डी फोर के जो चार इलेक्ट्रॉन है वो इजी कक्षक में पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब बारी आता है D5, D6 एंड D7 की, तो D5, D6, D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है धातु आयनों के प्रत्येक आने वाले इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में प्रवेश करेगा। अब देखो D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पेयर बना लिया ईजी में, अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो जाएगा ही टी टू जी में जाएगा, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो टी टू जी में जो है वो चला जाएगा। अब डी सिक्स की बात करें तो डी सिक्स में भी यहाँ पे भी वही होगा, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पेयर हो गया, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो टी टू जी में चला जाएगा। उसके बाद डी सेवन की बात करें तो ईजी में पहले जाएगा, फिर इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये जो है वो टी टू जी में जो है वो चला जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं D9 एंड D10 में, तो D8 के पास आठ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे चार चार दो दो चार हुआ और पांच छह सात आठ, इस प्रकार से ये जो है वो व्यवस्थित हो जाएंगे। D9 में भी यही प्रोसेस होगा, D10 में भी ये पूरा फिल हो जाएगा पेयर के रूप में। तो D8, D9, D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में धातु आयनों के संकुलों में प्रत्येक आने वाले इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में प्रवेश कर लेगा। तो फ्रेंड ये जो है इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इजी है, बस आप लोगों को स्थायीकरण ऊर्जा थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले लो एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, तो ये अपबाउ के नियम के अकॉर्डिंग भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे समझ लेना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा और ऑक्टाहेड्रल में जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।